शरारती उठो। मोई तो उठाओ उठाओ, आदि को उठाओ। मोहित नहीं उठ रहा, क्या हुआ इसे? नाराज हो गया आपसे? ओ चलिए भाई, तो चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हम कदम सलीम और आज की वीडियो करते हैं शुरू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो पहला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। उम्मीद है आप सब दोस्तों का भी पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको और मुझको रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ गंदम की कटाई शुरू हो गई है, तो अभी मैं और मोईद आए हैं खेतों में के कुछ लोग हमारी गंदम की कटाई कर रहे हैं, अभी देखने जा रहे हैं। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गंदम जो है वो काटी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कुछ गंदम जो है वो काटने के लिए लोगों को दे दी थी। देखें कवे कैसे जो है खेत में। बाबा सही हूँ तो वाह तेज़ हो गया हूँ, तो नहीं वढ़नी है, जिन्नी वढ़ी थी वो बन छोड़ोगे। मोहित साहब जो है बिल्कुल रेडी हो गए हैं घर जाने को। मोहित चले। मोहित को मैंने जो है वो उठा लिया। मोहित उधर बाय बाय करो। बाय अल्लाह बाय। वो ये देखें सामने थ्रेशर लगा हुआ था, वो की कर दे तो इसी ऐ कीजिए शापर धाने कट दे पे कितू का दे तू भला छानने जो यार की करना जे साफ करके धो के तो बेच लोगे। माशाल्लाह इसका मतलब खर्चा बना रहे हो तुम अपना है। अल्हम्दुलिल्लाह तूड़ी बनी हुई है जी, ये देखें ये थ्रेशर लगा हुआ था, जानवरों के लिए खाने के काम आएगी। तो ऊपर कपड़ा बिछा दिया है ताकि हवा जो तेज़ हो गई है तो हवा की वजह से ये उड़े ना, ये तो ऐसा भी होता है कि ये उड़ जाती है सारी की सारी तूड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम जो है वो 3 बज गए हैं। तो रमज़ान में जो है शॉप की रूटीन भी चेंज हो जाती है, सुबह से लेकर 8 बजे तक रश होता है, बच्चे आते हैं शॉप के ऊपर। तो उसके बाद असर के बाद काम जो है वो शॉप का ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो रश वगैरह होता है क्योंकि अफ्तारी के लिए गांव में अफ्तारी की तैयारी सभी लोग शुरू कर देते हैं असर की नमाज के बाद। तो इंशाल्लाह आज जो है अफ्तारी की रूटीन भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हाँ वहा भाई क्या लेना आपने? बेसन। बेसन लेना कितना? 50 का। तो ये बेटा आपका 50 का बेसन। टाइम तकरीबन थोड़ा रह गया है तो बच्चे आना शुरू हो गए हैं शॉप के ऊपर। आपने क्या लेना है? ना आपने कितना बेसन? 50 का बेसन लेना है। आपका बेसन 50 रुपए का और 50 रुपए बकाया, ठीक नहीं? ओके। केक लेना है? ये लें हैं। हेलो बकाया अपना है थोड़ा समान रख देता जो पैक कर देता जी। सर मेरे वाले शुक्रिया जनाब बहुत बहुत। अभी कुछ इफ्तारी के लिए सामान लेके आया हूँ। तो अभी थोड़ी सी जो है बोतलें फ्रिज से ख़त्म हो गई हैं, तो टाइम तो आधा घंटा रह गया, तो कुछ बोतलें लगा लेंगे और फ्रीज़र को चला लेंगे। कस्टमर इफ्तारी के टाइम पे बोतल भी लेके जाता है, इसलिए में साथ साथ काम भी चलता रहता है, तो काम भी करना चाहिए साथ साथ।
अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा रोज़ा था तो दूसरा रोज़ा रोज़े की इफ्तारी कर लिया। तो यही थी हमारी आज की रूटीन। अभी नमाज का टाइम हो गया तो नमाज पढ़नी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मुकद्दम सलीम को दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल। रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।